को मैं एक चीज बता दूं, जैसे जैसे ये जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने ये जैसे आते हैं ना, ये फेक जॉब देने वालों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है। मैं बता दूं, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, उनको पता है कि मैक्सिमम लोग जून और जुलाई में पास आउट होते हैं। अब जून और जुलाई में तो अपना वर्क जो है वो जनवरी से स्टार्ट कर देते हैं, आपको फैच करना, मेल करना कि मारुति सुजुकी में जॉब है, टाटा कंपनी में जॉब है, तो इस कंपनी में L&T में जॉब है, उस कंपनी में जॉब है, इस टाइप की चीजें आप सब लोगों के पास ये फेक कंपनियों के थ्रू भेजते हैं। अब मारुति सुजुकी को क्या पता कि आप बीटेक में पढ़ रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, आपको कैसे मारुति सुजुकी पास आपका डेटा कहाँ से पहुंचा, या आपके कॉलेज वाले, या आपने कहीं रजिस्टर किया होगा, ये डेटा वहां से पिक करते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, हैकर्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो कहाँ से आपका डेटा पिक कर लिया ये जानना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं ना, उसी टाइम आपका डेटा पिक करेंगे, आपको मेल करेंगे, आपको ये करेंगे, और इस तरह की मेल करेंगे, मेल वहीं से स्टार्ट होता है, प्रोसेस इनका वहीं से स्टार्ट होता है जनवरी से ही। फिर अप्रैल मई या जून जुलाई अगस्त से हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, टेली कॉलर्स रखते हैं, फोन करवाते हैं, सब कुछ कर लेंगे, इनको वो उनका सीजन होता है पैसा कमाने का। उनका काम क्या होता है, ऑफिस, गजब का ऑफिस ले लेंगे, ऐसा ऑफिस बनवाएंगे ना आप खुद ही कंफ्यूज जाओगे, अरे यार ऐसा ऑफिस है, इतनी सारी फैसिलिटीज है, इतनी सारी चीजें हैं, आपको खुद कंफ्यूजन हो जाएगा कि इस ऑफिस में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, किस तरह की चीजें हैं। और ये लोग सिर्फ 4 महीने में लाखों रुपए कमा के निकल जाते हैं, आपको विश्वास नहीं होता होगा, एक ऐसी कंसल्टेंसी है जो 40 लाख रुपए सिर्फ 4 महीने के अंदर टर्नओवर करके निकल गई। और उस कंसल्टेंसी का नाम क्या मैं बताऊं, क्योंकि नाम बदलते रहते हैं, एक बात और मैं क्लियर आपको कह दूं, इनका कोई नाम नहीं होता, ये नाम बदलते रहते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, ये आपको कॉल करेंगे, सबसे पहले मेल करेंगे, उसके बाद इनका टेलीकॉलर आपको कॉल करेगा, चाहे वो लड़की ही मैक्सिमम टेलीकॉलर होगी, बड़े प्यार से बात करेंगे, हेलो सर, मे आई नो योर नेम, आपका नाम क्या है, मैं आपको जॉब प्रोवाइड करती हूं, आपके लिए यहां पे ओपनिंग है, आप आ जाइए। ये बुलाएंगे अपनी ऑफिस, ऑफिस बुलाएंगे, बोलेंगे सर देखो मैं आपको बता दूं, आपका इंटरव्यू है, लेकिन इंटरव्यू से पहले 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। अब ये चीज, अब हम फ्रेशर होते हैं, हमें तो पता नहीं होता कि ये 500 रुपये वाली कहानी क्या है, हम तो तुरंत दे देते हैं, जी मैडम लीजिए 500 रुपये लीजिए, मैडम रजिस्टर पे कंप्यूटर पर नाम लिखते हैं, सर आपका नाम नोट हो गया, अब जाइए इंटरव्यू के लिए। ये कंपनी से ऑलरेडी एसोसिएटेड होते हैं, या फिर वहाँ पे इनका कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई कुछ बैठा रहता है, या फिर ये दूसरी कंसल्टेंसी दूसरे ऑफिस में भेज देते हैं, उसी लोकेशन पे, प्राइम लोकेशन पे ये अपना ऑफिस भी रखते हैं, दूसरा ऑफिस भी, वहाँ आप जाओगे इंटरव्यू राउंड होगा, इंटरव्यू में बोलेंगे सर देखिए सब कुछ तो सही है, लेकिन अभी जो आपको इंटर्नशिप करानी है, 2 महीने की इंटर्नशिप होगी, उसके 20,000 रुपये लगेंगे। अब वहां से आपका दिमाग चकराएगा, बहुत सारे लोग पहले स्लॉट में तो 99% लोग 500 रुपये देकर के आ जाएंगे, हम भी उसी कैटेगरी में गए थे भैया, हम भी देकर आए हैं, तो 99% लोग 500 रुपये दे देंगे, बोलोगे आप 10 लाख लगा के बीटेक किया, अरे 500 रुपये क्या है, नथिंग। तो वहां पे ये लोग गेम खेल जाते हैं। अब जब 20,000 की बात आती है ना, तब हम एक बार सोचते हैं। इसी तरह से मैं बता दूं आपको, चंडीगढ़ में एक कंपनी ने मेरे साथ इसी तरह से चीट किया था, और मैं कभी नहीं भूल पाता उस बात को, आई थिंक इतना बड़ा चीट होगा, तब से मैंने सोचा था कि अब किसी स्टूडेंट के साथ ना हो तो बेटर है। तो वहां पर जाकर के पता चला, जब 20,000 मांगेंगे तब आपका माइंडसेट काम करेगा, सर मैं नहीं दे पाऊंगा, ये है वो है, फिर आप घर आते हो, घर जब आप आओगे ना, तो फिर वो आपको कॉल करेंगे 2-3 बार की, सर से आपका ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर सभी भेज देंगे, और ऑफर लेटर ऑर्डर भी आपको भेज देंगे, और आप खुश हो जाओगे अपने घर, बोले पापा 20,000 रुपए लग रहा, मम्मी 20,000 रुपए लग रहा, परसों से ज्वाइनिंग है, और देखिए ऑफर लेटर ऑर्डर सब आ गया। लेटर तो ऐसे बना करके देंगे कंपनी का ना, कि आप खुद को लगेगा कि कंपनी ने खुद आपके लिए ये लेटर भेजा है। तो वहां पे फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि किस तरह से मैनेज करें। फिर आप 20,000 रुपए देते हो, फिर आप वहां पे जाते हो, तो पता चला कंपनी ही नहीं है, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तो वहां पे चीजें समझना बहुत जरूरी है, ये वही कंपनियां हैं, आप पैसा कमाने जा रहे हो ना कि पैसा दे करके पैसा कमाने जा रहे हो। अरे आप जॉब करने जा रहे हो, पैसा कमाने, पैसा देने थोड़े ना आए हो यार। एक भी रुपए कोई चार्ज करे, कोई भी कंपनी एक भी रुपए चार्ज करे, वो सरासर फेक कंपनी है, आप उस कंपनी के पास मत जाओ, ये कंपनी आपको लूट खाएंगी, आपका करियर स्पॉइल कर देंगी, आपका करियर बर्बाद कर देंगी। तो इन कंपनियों के बारे में सोच समझ के डिसीजन लें, इन कंपनियों के बारे में सोच समझ के जाने,
तभी जा करके आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे। जब तक जानेंगे नहीं, जब तक पहचानेंगे नहीं, तब तक आप लाइफ में क्या करेंगे। तो बस ये वीडियो बनाने का एम यही था कि इन फेक कंपनियों के बारे में आप जानें, और इस वीडियो को आप व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह शेयर करो ताकि सब तक बात पहुंच सके। जब तक सब लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि इन फेक कंपनियों के बारे में आप लोगों तक जागरूकता पहुंचा रहे हो। तो इन फेक कंपनियों के बारे में जागरूकता पहुंचाइए। और करियर अड्डा चैनल, इसीलिए मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियोज लेकर के आता हूँ ताकि आप लोगों का सहयोग हो सके। जो चीज़ें हमने झेली है वो आप ना झेलो। बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।